नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज दिन की कुछ खास खबरों पर। कक्षा में एक सीट छोड़ बैठेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। अगली कैबिनेट में 4000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से खुलने जा रहे स्कूल्स में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा। एक कक्षा में अधिक विद्यार्थियों के होने पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए विद्यार्थियों को अलग अलग कमरों में बिठाकर कक्षाएं लगाई जाएंगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। मॉनसून की छुट्टियां समाप्त होते ही 26 जुलाई से ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर आना होगा। शीतकालीन स्कूल्स में 22 जुलाई से 27 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां रहेंगी। इन स्कूल्स में 28 जुलाई से शिक्षक स्कूल्स में आएंगे। प्रदेश में 2 अगस्त से शुरू होने वाले स्कूल्स में लागू की जाने वाली एसओपी को 1-2 दिन के भीतर शिक्षा विभाग जारी करेगा। शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने की फाइल अभी तक वित्त महकमे से नहीं आने का मामला कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की फाइल के लटकने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस मामले को उठाया। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आगामी कैबिनेट बैठक में शिक्षा भर्ती का प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने उठा लिया ये खौफनाक कदम। गग्गल पुलिस थाने के अंतर्गत एक युवक की किसी जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। 21 वर्षीय युवक ने 2 दिन पहले परिवार के साथ रात्रि का खाना खाया। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि जब वो रात को उठी तो देखा कि बेटे के कमरे की लाइट जल रही है। दरवाजा खटखटाने पर युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में परिजनों ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो युवक बेड से नीचे गिरा हुआ था। परिजनों ने उसे तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। यहां पहाड़ी में भूस्खलन से घरों को पैदा हुआ खतरा, लोगों की उड़ी नींद। चंबा जिले में गत दिन हुई मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के प्रकोप से जिलावासी सहमे हुए हैं। बारिश से किसी भी समय भूस्खलन हो सकता है। गत दिन हुई बारिश से जिले में काफी नुकसान हुआ, जहां घंटों मार्ग अवरुद्ध रहे। वहीं लोगों के घरों व खेतों को भी काफी नुकसान हुआ। इसके चलते गहरा पंचायत के बयोटा गांव में पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते घरों को खतरा बना हुआ है। खेल खेल में झूले की रस्सी का बन गया फंदा, 11 साल के मासूम की गई जान। धर्मपुर क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्चे की झूले से खेलते हुए मौत हो गई। अचानक झूले की रस्सी से उसके गले में फंदा लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि तनिष अपने घर के साथ एक पेड़ से झूला बनाने के बाद खेल रहा था। इसी दौरान झूले की रस्सी से अचानक गले में फंदा लगने से उसकी मृत्यु हो गई। ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार।